नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल में। आज की वीडियो है परचूला का फ्लावरिंग प्लांट की बारे में। तो इसका केयर कैसे करते हैं और क्या फर्टिलाइजर कैसे सनलाइट में रखते हैं, सब वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, परचूला का फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। सुबह 8 बजे से ना 12 बजे तक खिला रहता है, डेली खिलता है, डेली स्पेंड होता है। तो हम जब भी इसको गार्डन में लगाते हैं तो गार्डन की शोभा को बढ़ा देता है और जब भी हम गार्डन को एंट्री करते हैं मन को मोह लेता है। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, एक से कई प्लांट बना सकते हैं। और इसको सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट चाहिए रहता है। और इस केयर की बात करें तो हाँ, इसको तो केयर ना थोड़ा जैसे डेली हम जो स्पेंट फ्लावर रहता है उसको हटाते जाएंगे तो उसको फिर फ्लावरिंग के लिए नेक्स्ट डे के लिए स्पेस मिल जाता है, बहुत ही फ्लावरिंग करता है। हाँ, हफ्ते हफ्ते इसको ना जितना भी स्पेंट फ्लावर है जब भी टाइम मिले उसको निकालते रहना चाहिए। और एक कोई भी पार्ट में लग सकता है, सेलो पार्ट में, ये वेस्ट मटेरियल के जो बाटल रहता है, देखिए कोल्ड ड्रिंक के बाटल में भी ना गुलदस्ता जैसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हैंगिंग प्लांट भी बना सकते हैं, ये देखिए बहुत ही लाइट पिंक कलर का भी ना गुलदस्ता जैसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका फर्टिलाइजर की बात करें तो देखिए, हम नीम खली और रोज मिक्स फर्टिलाइजर और ये DAP के कुछ दाने डाल देते हैं महीना महीना में 20 दिन में। तो इसको थोड़ा सा ना गुड़ाई तो कर नहीं सकते, तो ऐसी दो दो चार चार दाना चारों ओर फैला देते हैं। ये देखिए, इसी सबको मिला के ना तो फ्लावर बहुत ही फ्लावरिंग करता है। सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है, तो हम भी जैसे खाना खाते हैं तो इनको भी चाहिए रहता है। तो इसको ना ये डालते रहते हैं महीना दिन में। अभी रेनी सीजन लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते, बाद में हम गर्मी में लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो बहुत ही फ्लावरिंग करता है। और सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट रहता है, छांव में रख देंगे तो उतना फ्लावरिंग करता है। ये सब सन लविंग प्लांट है। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। ये जब भी हम गार्डन को आते हैं ना तो एकदम स्टार जैसे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।